हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मेरा नाम है वैशाली। और फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए है, मकर राशि वालों के लिए है, सन मून और राइजिंग। अगर आपका लग्न, आपकी राशि या आपका जो सूर्य है वो कैप्रिकॉर्न में है, मकर राशि में है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ और करियर में क्या आने वाला है। साथ ही साथ यूनिवर्स आपको एडवाइस क्या देना चाहती है फ्रेंड्स। और अगर आप कोई स्पेसिफिक रीडिंग कराना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को लेके, करियर या वर्क या फैमिली को लेके, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग जो है वो बुक करा सकते हैं। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वीकली टैरो रीडिंग्स और दूसरी चीजें जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी होती है उन सब के लिए। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कार्ड्स मैंने निकाल दिए आपके, तो सबसे पहले हम लव रीडिंग देखेंगे और उसके बाद हम करियर की देखेंगे। तो एडवाइस कार्ड में साइड में रख देती हूँ एंड पहले हम टैरो कार्ड्स देखते हैं। तो हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स में है, जो कि अच्छी बात है। वी हैव एट ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव फाइव ऑफ कप्स ओके इन रिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स वाओ। उसके बाद हमारे पास में से लव लाइफ में कार्ड जो है हमारे हैं वो वेरी सून, उसके बाद है न्यू लव वाओ। तो हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत जल्द एक न्यू लव जो है वो आने वाला है, जो लोग सिंगल है स्पेशली उन लोगों के लिए। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे कार्ड है को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। साथ ही साथ है यहाँ पे लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अपने दोस्तों को आपकी मदद करने दें। ओके, सो कार्ड्स मुझे बहुत स्ट्रांगली बताते हैं कि जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं या जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग किसी बहुत ही हैवी एनर्जी से बाहर आ रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में नहीं हो, मैरिड हो या नहीं हो, ये कार्ड जो है वो यही चीज बता रहे हैं। हो सकता है कि बहुत टाइम से आप यू नो अपनी लाइफ में बहुत परेशान या स्टक महसूस कर रहे हो, तो मुझे लगता है दिसंबर में भी थोड़ी सी एनर्जी आएगी, बट आप इसको अब रिलीज करने वाले हो जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। बहुत अच्छा है कि कार्ड्स सारे रिवर्स में हैं, जो कि मुझे बताते हैं कि हो सकता है आप शुरुआत के टाइम में दिसंबर में, ये लगा लीजिए 12 या 15 दिसंबर तक, किसी चीज को लेकर स्ट्रेस्ड रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं अपनी लव लाइफ के अंदर। हो सकता है कि आप अपने दिमाग में ही ओवर थिंकिंग करके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बट जो अच्छी खबर है वो मुझे यही दिख रही है कि आप उस नेगेटिविटी से बाहर आने वाले हैं। आप खुद से होता है ना कि अपने आप उस नेगेटिव चीज से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोडिपेंडेंसी का कार्ड है, जो मैं एक तरीके से एक डेविल का कार्ड मानती हूँ, कि नेगेटिव सोच होना या किसी पर्सन पर डिपेंड हो जाना, किसी तरीके का कोई एडिक्शन होना, इस बारे में ये कार्ड जो है वो बात करता है। मुझे दिखता है कि आपकी खुद की जो एक होता है ना नेगेटिव सोच जो है, आप उससे बाहर निकलने वाले हैं, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकलने वाले हैं जिसमें आप बहुत टाइम से फंसे हुए हैं या जिसमें आप अटके हुए हैं, परेशान हैं, और आगे एक दूसरा डायरेक्शन जो है, दूसरी दिशा जो है वो चूज करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे कार्ड आया है मैजिशियन का फ्रेंड्स। मैजिशियन का कार्ड जो है वो मुझे बताता है अगेन कि आप अपनी लाइफ जो है वो खुद से बनाने वाले हैं। आप दिसंबर में एक ऐसी स्टेज पे आओगे कि आप खुद सोचोगे कि बस अब हो गया है, अब मुझे अपनी लव लाइफ में चीजें जो है वो अपने हिसाब से चेंज करनी है, अब मुझे जो पसंद है, मुझे जो चाहिए, मुझे उस दिशा में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है। कोई भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस हो उसके लिए मुझे ये कार्ड दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप जो है वो और स्टेबल होने वाला है, आप किसी नेगेटिव एनर्जी से बाहर आने वाले हो, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। उसके अलावा जो है मुझे कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि आप बहुत टाइम से अपने कनेक्शन में आप परेशान चल रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन आपके पर्सन आपको कुछ स्टेबल देने वाले हैं, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे कि आप मुझे लाइफ में कुछ स्टेबल चाहिए, तो बहुत जल्द मुझे कुछ न्यू लव दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिसंबर में ही दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये आगे वाले महीने के अंदर दिख रहा है। फ्रेंड्स जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो अपनी फ्रेंड्स की सुनो और कहीं ना कहीं अपनी फ्रेंड्स से अपनी बातें शेयर करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बाकी के कार्ड्स देखते हैं कि कार्ड्स में क्या आया है। वी हैव फॉरगिवनेस, तो बहुत जरूरत है आपको किसी पर्सन को या किसी को माफ करने की, या अपने आप को माफ करने की और आगे बढ़ने की। मकर राशि वालों, आपके लिए बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि यहाँ पे एक लेट गो वर्ड होता है ना, कि पास्ट की चीजों को पास्ट में ही छोड़ दो, या कोई चीज आप अगर उस वजह से बहुत परेशान हो, कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है, तो होता है ना कि भगवान पे छोड़ दो या अल्लाह पे छोड़ दो, वो वाली एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। तो अगर आप अपने लव लाइफ में बहुत परेशान चल रहे हैं ना किसी चीज की वजह से, तो बहुत ज्यादा मत सोचो, उसको छोड़ दो,
कि भगवान पे जो है वो देखा जाएगा. वी हैव दिस कार्ड, टर्न ऑन योर हार्ट्स लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव. ये कार्ड जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से लव लाइफ में ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार आ ही नहीं रहा. कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों या ऐसे लोग आए हों जिन्होंने आपको चीट किया हो, धोखा दिया हो, जिस वजह से अब आप क्लोज्ड हो गए हैं. आपने अपना दिल जो है वो बंद कर लिया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. बट मुझे बहुत स्ट्रांग एक न्यू कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. उसके बाद हमारे पास कार्ड आया है रोमांस. वाओ, सो डेफिनेटली रोमांस जो है मुझे दिख रहा है, और मुझे पैशनेट रोमांस यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है. सेक्सुअल रोमांस, पैशनेट चीजें जो है मुझे यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही हैं. वी हैव द कार्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक. तो बहुत ही जल्द कुछ वीक्स के, कुछ हफ्तों के अंदर जो है आपको कोई अच्छी खबर जो है वो मिलने वाली है. हो सकता है कि कुछ रोमांस ही आने वाला है आप लोगों की लाइफ के अंदर, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं. कोई गुड न्यूज जो है आपको मिल सकती है. तो चलिए फ्रेंड्स, लव रीडिंग तो हो गई, आप देखते हैं आपके करियर और वर्क में क्या आने वाला है. सो ये फ्रेंड्स आप लोगों की करियर के कार्ड्स. तो एज यूजुअल हम एडवाइस कार्ड जो है बाद में देखेंगे, पहले हम टैरो कार्ड देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द हैंग्ड मैन. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया है एट ऑफ पेंटिकल्स. हमारे पास यहाँ पे कर्मा का कार्ड है. ओके, वी हैव द शेडो साइड जो कि डेविल का कार्ड है यहाँ पे. उसके बाद हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स और अगेन एडवाइस कार्ड बाद में देखेंगे. ओके, तो केप्रिकॉन्स जो कि मैं भी हूँ, इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि दिसंबर मंथ में कोशिश करेगा कि अपनी ही एडवाइस पे चले, दूसरे लोगों की एडवाइस ना लें या दूसरे लोगों की बातों में ना आए. हो सकता है कि आपको वर्क या करियर में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी यू नो इंटेंशंस आपको लेके ठीक नहीं होगी, जिनके इरादे आपको लेके अच्छे नहीं होंगे. कोशिश करेगा इस तरीके के लोगों से थोड़ा दूर रहें या ऐसे लोगों को इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. इनको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें. कोई ना कोई आप जो है सोच समझकर डिसीजन लेंगे जो मुझे दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों की बातों में आएंगे ही नहीं, अपनी ही सोच के हिसाब से आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं. थोड़ा सा स्लो रहेगा ये मंथ दिसंबर का आप लोगों के लिए मुझे लगता है. हो सकता है थोड़ी बहुत पैसों की तंगी या स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आपको हो सकती है, बट आप मेहनत करोगे. आपको जो है यूनिवर्स कुछ लेसन सिखा रही है, एंड हो सकता है ये लेसन जो है थोड़ा सा आपको, आपके लिए यू नो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दिसंबर के मंथ में. थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दे सकता है या दिक्कत हो सकती है इस वजह से. बट मुझे एक न्यू बिगनिंग जो है ना वो कार्ड्स में दिख रही है कि एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है. केप्रिकॉन्स, मुझे ना एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि आपको या तो बहुत जल्द अपने किसी बिजनेस से प्रॉफिट होने वाला है. दिसंबर में ना भी हो तो मुझे बहुत जल्द ये चीज़ होती हुई आगे इन फ्यूचर नजर आ रही है कि कुछ लोग कुछ अपना नया काम शुरू कर रहे हैं, उनको उसमें आगे जाके जो है वो कुछ प्रॉफिट होने वाला है. उस नए काम में आपको तरक्की ही ऐसे मिलेगी कि आप दूसरों की बातों में नहीं आए, आपने अपनी खुद की मेहनत करी, अपने खुद का दिमाग यूज किया और आप आगे गए. ये आपके जॉब में भी करियर में भी मुझे यही चीज दिखाई दे रही है कि आप वो चीज कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है. कार्ड्स हमारे पास है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. सो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा, एक न्यू स्टार्ट जो आपकी लाइफ में आने वाली है, एक नई साइकिल होने शुरू वाली है. होल्ड योर विजन, ये कार्ड जो है वो बात करता है कि जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज को अपने दिमाग में रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए. क्योंकि जब आपके दिमाग में एक सेट होगा ना कि आपको ये चीज चाहिए, तो आप ज्यादा इजिली आगे बढ़ पाएंगे, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स पे दिख रहा है. तो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती हो, रेजोनेट करती हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा. और आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली करा सकते हैं. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.